अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें यूपी में आगामी चुनाव और रैलियों पर नए दिशा निर्देश जारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। क्या रैलियों पर लगेगी रोक? ये सवाल हर किसी के मन में है। यूपी इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आपको बता दें कि राज्य में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बड़े दिशा निर्देश आज जारी हो सकते हैं और जानकारी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई मतदाता सूची जारी करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ दौरे के दौरान की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बताया था कि नई मतदाता सूची जारी होने के बाद जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। नई मतदाता सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी थी, तो अब से थोड़ी ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होगी। और उसके बाद जो सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि क्या रैलियों पर ब्रेक लगेगा या नहीं, क्योंकि लगातार रैलियों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति चिंताजनक बनी है। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी ही देर में होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चुनाव से पहले ये जो रैलियां हो रही हैं उन रैलियों पर लगाम लग पाएगी या नहीं। रैलियों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए ये सवाल हर किसी के मन में है कि जो रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां की जा रही हैं और इतने भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में इन चुनावी रैलियों को क्या वर्चुअली किया जाना ठीक है या नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। प्रदीप, जिस तरह से रैलियों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसको लेकर कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और कोई निर्णय नहीं दिया गया मतदाता सूची नए लोग हैं उनके विषय में जानकारी दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग सर अब तक कुछ कहना है की वर्चुअल सपना को देखते हुए हम इस तरह कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं जहाँ पर हम रैलियों पे रोक लगा सकते हैं, जो चुनावी जनसभा उससे रोक लग सकते हैं और रोस्टों पर भी रोक लग सकते हैं। तो प्रदीप, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और नई मतदाता सूची को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नए मतदाता सूची करीब 1,67,866 नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें से करीब 25 लाख से ज्यादा जो है महिलाएं हैं, बाकी युवा पुरुष जिनकी जानकारी आज चुनाव आयोग ने दी है। ये 1,67,866 में नए मतदाता जो है जुड़े हैं। तो प्रदीप, अभी और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें कही गई हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस के दौरान आधार तिथि में जो आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचित नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण जो था वो पूरा हो चुका है। करीब करीब आज 5 तारीख से ये टास्क दिया गया था और इस संबंध में जो है जो भी छूटे हुए नाम थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।